दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि ये PL कंपनी का जो हमारा सिक्वेंशियल टाइमर कार्ड आता है, इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर का क्या क्या प्रोग्रामिंग होता है, कैसे इसका प्रोग्राम करते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसके बारे में प्रोसेस को हम सीरियल वाइज अच्छे से बताने वाले हैं, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो और कोई चीज़ छूटे ना। तो दोस्तों, हमारे पास ये नया पैक है और ये देख सकते हैं हमारा EAPL कंपनी का है सिक्वेंशियल टाइमर का 10 चैनल का है। तो 10 चैनल का है, यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है ST10M1 है। 10M1 का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे ST10M1 है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 चैनल होगा। अगर यहाँ पे 10 के जगह पर अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 ही चैनल होता है। ऐसे ही करके यहाँ पे 6 रहता तो 6 चैनल, और अगर 10 है तो 10 चैनल, और यहाँ पे ऐसे करके 15 तक आता है दोस्तों। 4 से लेकर 15 तक, 4 चैनल, 6 चैनल, 10 चैनल और 15 चैनल का आता है। अब यहाँ पे ये देख रहे होंगे, एक है M1, एक है M2। तो M1 और M2 में होता है दोस्तों, ये जो हमारा आउटपुट होता है वो उसके डिपेंड, अगर M1 होगा तो उसमें रिले आउटपुट होगा, और जो M2 रहता है तो उसमें ट्रैक आउटपुट का यूज किया जाता है हर चैनल पर। तो यही इसका मतलब होता है M1 M2 का। और यहाँ पे अगर 4 है, 4, 6, 10 अगर 15 है तो ये हमारा रिले का संख्या है, इसमें कितने रिले हमारे आउटपुट में दिए गए हैं। तो ये हमारा सिक्वेंशियल टाइमर है, ST10M1 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे देखिए इसके कुछ और डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे साइड में दिया गया रहता है, लेकिन इस पर नहीं दिया गया। चलिए इसको हम नया पैक है, इसको हम खोलते हैं, खोल के अंदर दिखाते हैं आपको इसका जो टाइमर है उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, फिर आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत जगह पर देखा होगा, ये जो हमारे कार्ड्स आते हैं तो एक इस कार्ड में हमारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग दिए गए रहते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग के पहले जो भी हमारे इसके ऊपर बटन्स और टर्मिनल हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है ST10M1 सिक्वेंशियल टाइमर। ये हमारा खास करके एस हैंडलिंग में या फिर जो साइलो पे हमारे पर्जिंग सिस्टम लगते हैं, वहाँ पर बैग फिल्टर वगैरह, वहाँ पर इसके पर्जिंग के लिए इस टाइमर कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो हमारा डिजिटल प्रोग्रामिंग टाइप का एक कार्ड होता है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सोर्स A1 A2, यानी कि इसमें A1 और A2 जो टर्मिनल होगा उस पर आपको देना है सोर्स। इसके बाद टाइमर टाइम का रेंज दिया है ऑन एंड ऑफ, यानी दो टाइम का रेंज है, ऑन का भी है ऑफ का भी है। वो जो हमारा टाइमिंग दिया गया है यहाँ से 0.1 सेकेंड से 99 आवर्स से 59 मिनट तक, यानी कि 0.1 सेकेंड से लेके आपका 99 घंटा 59 मिनट तक के बीच में आप इसमें टाइम सेट करते हैं, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। और A1 A2 पे आपको सोर्स देना है, यानी कि पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। ये 85 से 270 वोल्ट आप AC या DC दोनों में से कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखा है कंट्रोल आउटपुट, कंट्रोल आउटपुट रिले 0 से रिले 9, यानी टोटल 10 आउटपुट है। ये हमारा 10 एम्पियर का लोड ले सकता है जो भी रिले आउटपुट है, और इस पर आप 220 वोल्ट AC या फिर 28 वोल्ट DC इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिया जाता है स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल का मतलब दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर कार्ड है, इसका टाइमर स्टार्ट करने के लिए हमें एक कमांड देना पड़ता है, एक पल्स देना पड़ता है। तो उसका सिग्नल जो है हमारा S1 और S2 पे जाता है, पोटेंशियल फ्री हमारा कॉन्टैक्ट होता है। आप कम से कम 120 मिली सेकेंड तक के लिए अगर इसको स्टार्ट किया जाता है तो ये हमारे जो टाइमर होता है वह स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सोर्स का मतलब यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना है, और जो S1 S2 है इस पर ऑन होने के लिए कमांड देना पड़ता है स्टार्ट सिग्नल। उसके बाद देखिए C1 और C2 यहाँ पर दिया गया है, इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये एक ही साइकिल चलेगा, और ओपन रखेंगे तो ये हमारा साइकिल इसका रिपीट होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साइकिल कंप्लीट आउटपुट का, O1 और O2 का है। तो O1 और O2 का साइकिल कंप्लीट, जब जैसे एक टाइमर का साइकिल अगर कंप्लीट होगा तो उसका आउटपुट हमारा मिल जाता है O1 और O2 पे। तो O1 और O2 में क्या है कि ऑप्टो कपलर इसके अंदर लगा रहता है इस टाइमर के अंदर, तो उसके अंदर से एक आउटपुट निकल जाता है। एक साइकिल अगर कंप्लीट होगा तो उसका जो आउटपुट होगा O1 और O2 पे आएगा। तो जैसे कि अगर एक हमारा टाइमर कार्ड, इसी टाइमर कार्ड पे एक और टाइमर कार्ड को जोड़ना रहता है तो O1 और O2 से उसका आउटपुट जो है उस पर हम कनेक्ट करते हैं दूसरे वाले से। तो जब इसका साइकिल कंप्लीट होगा दूसरे वाले टाइमर कार्ड का टाइमर साइकिल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यह है टाइम पाउस इनपुट I1 और I2 है। I1 आउटपुट है यहाँ पर टाइम को पाउस करने के लिए, जैसे कि अगर इसको स्टार्ट कर देंगे तो टाइम जो है वहाँ पर इसका रुक जाएगा।
उसके बाद दिया है कॉपी चैनल, कॉपी का चैनल यहाँ पर दिया गया, एक टर्मिनल दिया गया है कॉपी करने के लिए, उसको अगर स्टार्ट करेंगे तो ये होता है दोस्तों प्रोग्रामिंग के दौरान। जैसे अगर आपको इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं तो अगर इसको कॉपी वाले जो टर्मिनल हैं दोनों उनको स्टार्ट कर देंगे तो एक नंबर चैनल पर जो आप प्रोग्राम सेट करेंगे वही सारे जो भी टाइम होंगे सारे 10 चैनल तो 10 पे वो सारे प्रोग्राम कॉपी हो जाएंगे। और अगर आप उसको ओपन कर देंगे तो इंडिविजुअल आप हर चैनल का अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये थे इसके बेसिक डिस्क्रिप्शन। और चलिए दोस्तों इसके अंदर का हम दिखाते हैं क्या क्या है कैसे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारे दो डिस्प्ले दिए गए हैं, ये हमारा चैनल नंबर है। जैसे जब इसका टाइमर साइकिल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे टोटल 10 चैनल, तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे चैनल नंबर दिखाता है जो चैनल ऑन होता है उसका। और ये हमारा ऑन और ऑफ का एलईडी है, जब ऑन होगा तो ऑन का एलईडी होकर जलेगा, ऑफ होगा तो ऑफ वाली एलईडी जलेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइमर है, टाइमिंग जो होता है टाइमिंग के लिए यहाँ पे रहता है। और ये देखिए यहाँ पे रेंज दिया हुआ है टाइमिंग का रेंज, ये जैसे हाफ घंटा पर मिनट है और मिनट और सेकंड का है, सेकंड और सेकंड का है। जैसे आपको जो टाइमिंग सेट करना है हर रिले का अलग अलग टाइम अगर आपको सेट करना है तो आपको क्या सेलेक्ट सेकंड और सेकंड में सेलेक्ट करना है कि मिनट और सेकंड में या फिर घंटा और मिनट में सेट करना है उसके लिए यहाँ पे रेंज दिया गया है, 3 रेंज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे स्विच दिए गए हैं, रन और प्रोग्राम का, रीस्टार्ट और होल्ड का। तो ये रन और जो प्रोग्राम वाले जो होते हैं दोस्तों, रन में जब तक रहेगा तभी हमारा टाइमर जो है वो ऑन रहेगा, साइकिल इसका चालू रहेगा। अगर जब इसमें कोई आपको सेटिंग चेंज करना है, कोई प्रोग्राम करना है तो इस स्विच को हम सब इधर प्रोग्राम मोड में करके तब इसमें प्रोग्राम हम किया करते हैं। अदरवाइज जब तक इसको प्रोग्राम मोड में नहीं करेंगे इसमें कुछ भी आपको एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो दिया गया एक स्विच रीस्टार्ट और होल्ड का है, तो ये इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर होल्ड मोड में रहता है तो ये टाइमर आपका मान लीजिए कि ऑन है और साइकिल चल रहा है, उसी दौरान बीच में अगर आपका पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद दोबारा जब इसको पावर सप्लाई हेल्दी होगा तो जहाँ से टाइमिंग रुका रहेगा वहीं से फिर आगे चालू हो जाएगा जब भी हमारा होल्ड मोड में रहेगा। लेकिन जब इसको हम रीस्टार्ट मोड में रखेंगे दोस्तों तो इनकेस अगर पावर फेल होता है दोबारा जब पावर इसका हेल्दी होगा ये 0 से हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी का काम होता है, रीस्टार्ट होल्ड का यही काम होता है। बाकी रन और प्रोग्राम का होता है कि अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है प्रोग्राम करना है तो उसको पहले प्रोग्राम मोड में ही करके इसको तब कर सकता है। बाकी यहाँ पे नीचे हमारे सारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं जो S1 S2 C1 C2 O1 O2 और I1 Y2 और ये हमारे कॉपी वाले टर्मिनल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं A1 A2 यहाँ पे आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। और ये जो कॉपी वाले चैनल है जैसे कि आपके मान लीजिए रिले नंबर 1 है, इस पर प्रोग्राम आप ऑन टाइम ऑफ टाइम जो सेट कर रहे हैं वही टाइम आपको सारे चैनल पर करना है। तो इसको प्रोग्रामिंग के दौरान इस चैनल को कॉपी यहाँ पे जो दोनों टर्मिनल हैं इनको स्टार्ट कर देंगे तो जो आप प्रोग्राम रिले 1 पर सेट करेंगे वही प्रोग्राम सारे रिले पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन बटन्स दिए गए हैं, ये सीक्वेंस के लिए है, ऑन ऑफ के लिए है, ये रेंज के लिए है, ये सिलेक्ट करने के लिए है और ये एडवांस के लिए रहता है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है दोस्तों 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो चैनल है उसको सेलेक्ट करने के लिए। और जो ऑन ऑफ का मतलब होता है कि जो यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम क्या आपको सेट करना है उसका ये चेंज करने के लिए दिया गया रहता है। और ये रेंज है, रेंज से आप इसमें जो ये हावर पर मिनट, मिनट पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड का जो सिलेक्शन है उसका चेंज कर सेट कर चेंजिंग कर लिए के लिए यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के लिए रेंज वाले से करते हैं। और सेलेक्ट वाले से करने के जैसे कि यहाँ पे 4 आपको डिजिट आता है तो किस डिजिट को आपको चेंज करना है उसको सिलेक्शन यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट वाले बटन से। जब इसको प्रेस करेंगे तो वो ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा और ब्लिंकिंग वाले को जब आपको इंक्रीमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप यहाँ से एडवांस बटन वाले से उसको वैल्यू को चेंज किया जाता है। तो ये हो गया इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन ऊपर के। और यहाँ पे देखिए ST10M1 ये इसका मॉडल नंबर हो गया दोस्तों, 10 लिखा है तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक 10 इसमें चैनल दिए गए रहे हैं। और सिक्वेंशियल टाइमर यानी सिक्वेंस से इसका टाइमर जो है वो चलता है। और इसकी कंपनी हो गया EAPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था S1 S2 है, तो S1 S2 को आपको स्टार्ट सिग्नल देना होता है। जैसे कि आपको पावर सप्लाई A1 A2 का पावर सप्लाई दे दिए और पावर सप्लाई देने के बाद दोस्तों ये हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन तो हो जाएगा लेकिन इसको टाइमर जो है साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट सिग्नल देना पड़ता है यहाँ पे S1 और S2 पे। जैसे ही आप S1 S2 को स्टार्ट करेंगे
तो स्टार्ट करने के बाद इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है और इसका साइकिल चलने लगता है। तो S1 S2 का यही काम होता है, उस पर स्टार्ट सिग्नल दिया जाता है। जैसे अगर आप कहीं फील्ड में लगाते हैं तो PLC या DCS से जो कमांड आएगा S1 और S2 पे आता है। उसके बाद क्या किया जाता है, C1 और C2। तो दोस्तों C1 और C2 का हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको एक ही साइकिल इसको चलाना है, उसके बाद रुकवा देना है। जैसे 0 से लेकर आपका मान लीजिए 9 तक आपका प्रोग्राम सेट कर दीजिए और एक ही साइकिल चल के इसको रुक जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे C1 और C2 को स्टार्ट कर देंगे तो एक साइकिल चलने के बाद ये रुक जाएगा टाइमर इसका। उसके बाद दोस्तों ये C1 C2 को ओपन रखते हैं, आपको अगर कंटिन्यूस इसका साइकिल रिपीट करना है तो C1 C2 ओपन होना चाहिए। फिर है हमारा O1 और O2। तो O1 और O2 जो होता है दोस्तों, ये साइकिल कंप्लीट होने का आउटपुट आता है। जैसे कि एक साइकिल अगर कंप्लीट हो गया उसका जो आउटपुट आएगा हमारा O1 और O2 पे मिलेगा। जैसे कि आपने हमने बताया था इसके अंदर एक ऑप्टो कपलर लगा रहता है, वही ऑप्टो कपलर एक आउटपुट जनरेट करता है। तो हर साइकिल जैसे एक साइकिल कंप्लीट होगा तो उसका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो उसके बाद हो गया हमारा I1 और I2। तो I1 और I2 है तो आपको अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो टाइम यूज़ करने के लिए दिया गया रहता है, यानी आपको टेम्प्रोरली अगर आपको उसको टाइम को रोकना है तो इस दोनों को अगर स्टार्ट कर देंगे तो हमारा टाइम रुक जाएगा। फिर आपको जैसे रिमूव करेंगे इसको ओपन करेंगे तो फिर टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक होल्ड वाला बटन दिया गया, तो ये होल्ड बटन दिया गया रहता है जैसे पावर फेलर के लिए। पावर फेल होने के बाद अगर दोबारा जब पावर आता है तो वहाँ से जिस टाइम पर रुका तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमारे जैसे मान लीजिए चल रहा है, चलने के दौरान आपको यहाँ पे टाइमर टाइमिंग इसका रोकना है, कुछ काम करना है तो वहाँ पे इसको स्टार्ट कर देंगे तो जहाँ पे जहाँ जो टाइम होगा वहीं पे रुक जाएगा। तो ये काम रहता है इसका I1 और I2 का। उसके बाद हमने बताया था कॉपी चैनल का भी काम हमने बता ही दिया और होल्ड और रिस्टार्ट का भी बता दिया, रन और प्रोग्राम का भी बता दिया। तो ये इसके फंक्शन थे जो भी इनके ऊपर का दिया गया रहता है और जो इसका हमने डिस्क्रिप्शन सारा बताया। अभी चलिए दोस्तों आपको इसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है वो हमको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है इसमें कैस्केड कनेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 चैनल है और आपको फील्ड में 15 रिले या फिर 15 सोलेनाइड आपको ऑपरेट कराने हैं तो इसके साथ में एक और आपको टाइमर कार्ड कनेक्ट कर देना है, तो कैसे उसी को हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। उसमें क्या होता है कि स्टार्ट सिग्नल जो होता है केवल इस वाले S1 S2 पे आएगा, लेकिन जैसे ही रिले नंबर 9 का आउटपुट इसका टाइमर ओवर होगा तुरंत दूसरे वाले जो टाइमर कार्ड है उस पर इसका टाइमिंग रिले 1 पे चला जाएगा। तो उसी को बुलाता है कैस्केड कनेक्शन। उसका कैसे कनेक्शन किया जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा कैस्केड कनेक्शन है, यानी कि दो अगर आप टाइमर कार्ड है सेम टाइमर कार्ड हम दोनों को कनेक्शन करना रहता है एक दूसरे के साथ, इसी को बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। यानी कि स्टार्ट सिग्नल आपका पहले वाले कार्ड पे आएगा और जैसे इसका साइकिल कंप्लीट होगा लास्ट रिले पे तुरंत दूसरे वाला जो यूनिट होगा उस पे इसका टाइमर चला जाएगा। इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों क्या है कि दोनों टाइमर का यानी कि दोनों जो कार्ड है हमारे इनके जो C1 C2 टर्मिनल है, जैसे कि हमारे C1 C2 इन दोनों के हमारे 60 होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो हम कनेक्शन देंगे इस पर हमारे S1 और S2 पे स्टार्ट सिग्नल जो देंगे इसी में से दोनों जो दो वायर इस पर आएगा उन दोनों में से कनेक्शन करके इसका और ले लेंगे दूसरे वाले जो यूनिट होगा दूसरे वाले यूनिट का O1 और O2 को ले लेंगे। यानी ये जो हमारा O1 और O2 है इस पर जो कि हमारा साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट आता है उस पर हम कनेक्ट कर लेंगे, जैसा कि इसमें देखिए दिखा रहा है। ये हमारा है S1 S2 का सोर्स, सॉरी यहाँ पे सिग्नल स्टार्ट सिग्नल कनेक्ट है, इन्हें दोनों वायर में से कनेक्ट करके यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे O1 O2 में, यानी इस पर जो साइकिल कंप्लीट होने का आउटपुट भी आएगा। उसके बाद दोनों के जो C1 C2 टर्मिनल है वो हमारे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसका जो O1 O2 का जो आएगा इसका स्टार्ट सिग्नल वाले पे टर्मिनल पे आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब आप एक बार स्टार्ट सिग्नल देंगे इसके C1 और C2 पे, सॉरी S1 और S2 पे, इस पर जब स्टार्ट सिग्नल देंगे तो इस साइकिल इसका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पे C1 और C2 इसका 60 है, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा जब ये 60 है
तो 60 होने के बाद, साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसमें क्या है कि O1 और O2 पे साइकिल कंप्लीट होने का आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे इसमें साइकिल कंप्लीट होने का जो आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट जो है निकल के इसके वाले पे स्टार्ट सिग्नल पे आ जाएगा। तो जब इसका स्टार्ट सिग्नल पे इसका आउटपुट आएगा तो ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो इसको स्टार्ट सिग्नल मिल जाएगा। जब दूसरे वाले को स्टार्ट सिग्नल मिलेगा, इसको जितना रिले आप सेलेक्ट किए होंगे उतने रिले तक इसका साइकिल चलने लगेगा। फिर जब साइकिल कंप्लीट होने के बाद, जब इसका साइकिल कंप्लीट होगा तो O1 और O2 पे फिर से इसका आउटपुट मिलेगा साइकिल कंप्लीट होने का। जब इसका O1 और O2 का आउटपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट का देखिए कनेक्शन किया गया है पहले वाले के स्टार्ट सिग्नल पे, यानी कि इसका आउटपुट का सिग्नल इसका स्टार्ट सिग्नल हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट का सिग्नल इसका स्टार्ट सिग्नल हो जाएगा। बस आपको एक बार PLC से या फिर स्विच से इसको स्टार्ट सिग्नल या फिर स्टार्ट करके इसको स्क्वायर स्टार्ट सिग्नल दे देना है। तो इसी को हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन, यानी दो कार्ड को अगर आपको कनेक्शन करना है तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आपका 10 चैनल का ही कार्ड है आपके पास और आपके फील्ड में ज़्यादा सोलेनाइड वाल हो रहे हैं, ज़्यादा पल्स आपको अपडेट करवाना है, तो उसके लिए इस टाइप का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए अभी आप इसको इसका प्रोग्रामिंग बताते हैं कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं इस कार्ड का। तो दोस्तों ये हमारा कार्ड है और ये सबसे पहले इसको आपको A1 A2 पंप को पावर कनेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद तब इस पंप कैसे इसको ऑन करते हैं वो फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम पहले पावर कनेक्शन कर लेते हैं O1 और O2 पे। 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट हम AC सप्लाई पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक 230 वोल्ट का सप्लाई का वायर है। तो अभी हमने वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी इसको दोस्तों हम पावर ऑन करेंगे। जैसे ही पावर ऑन करेंगे देखिए कि हमारे ये जो हमारे डिस्प्ले हैं ऑन हो जाएंगे और ये वाला चैनल का जो डिस्प्ले ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे हमने इसके पावर सप्लाई ऑन किया है और यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले ऑन हो गया और ये चैनल नंबर भी ऑन हो गया है और ऑन ऑफ का जो LED है इंडिकेशन वो भी ऑन हो गया है। उसके बाद ये टाइमिंग सिलेक्शन का जो LED है वो भी ऑन हो गया है। अब ये हमारा रिले नंबर है 0, ये रिले नंबर 0 है, ये दिखा रहा है रिले नंबर 0 का अभी जो है ये ऑन है। ऑन है, ऑन होने के बाद यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड का टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि 0 रिले नंबर 0 का जो ऑन टाइमिंग है वो सेकेंड और सेकेंड में सिलेक्शन इसका किया गया है और इस पर जो टाइमिंग सेट है वो 1 सेकेंड का है। उसी प्रकार से दोस्तों अब जैसे इसको आपको चेंज करना है, आपको रिले नंबर 2 का देखना है तो सीक्वेंस वाले को प्रेस करेंगे तो रिले नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट नंबर 2। तो आउटपुट नंबर 2 पे देखिए ऑन टाइम दिखा रहा है और आपको इसका ऑफ टाइम चेक करना है तो ऑफ टाइम यहाँ से चेंज करके इससे देख सकते हैं। ऑफ टाइम में भी 1 सेकेंड ही, यहाँ से ये भी देखना है कि आपको मिनट में सेकेंड है कि सेकेंड में सेट है कि हावर में सेट है, तो आपको सेकेंड में ही रखना है। अगर आप चाहें तो इसको मिनट में सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मिनट में सेट करना है यहाँ से रेंज वाले से सेलेक्ट करेंगे मिनट वाले में चला जाएगा मिनट और सेकंड में, यानी कि डिस्प्ले का आधा हिस्सा मिनट का हो जाएगा आधा हिस्सा सेकंड का हो जाएगा। सेम वैसा ही जब ये सेकंड से ऊपर वाले में रहेगा हावर और मिनट में, तो आधा हिस्सा इधर वाला हो जाएगा आपका हावर का, इधर वाला हो जाएगा आपका मिनट का। तो फिर हमको सर सेकेंड और सेकेंड में ही रखना है क्योंकि जो पल्स टाइम रहता है उसको हमको सेकेंड में रखना रहता है। तो चलिए हमारा हो गया रिले नंबर 1 का, रिले नंबर 1 यानी कि आउटपुट नंबर 2। फिर हम देखेंगे इसका ऑफ टाइम है 1 सेकेंड और ऑन टाइम भी है 1 सेकेंड। फिर देखना है दोस्तों जैसे कि हमको अगर इसको चेंज करना है 1 सेकेंड को तो आपको सेलेक्ट वाले बटन को दबाना है तो ये ब्लिंकिंग करने लगेगा। अब आपको ब्लिंकिंग वाले को चाहे तो इससे कम ज़्यादा करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर 11 सेकेंड कर दिया है, ये रिले नंबर 1 पे हमने ऑन टाइम किया 11 सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों रिले नंबर दूसरे पे, पहले इसका जो ब्लिंकिंग हो रहा है ब्लिंकिंग को बंद कर देना है। तो बंद करने के लिए सिलेक्ट वाले बटन सही करेंगे इसको बंद हो जाएगा। तो उसके बाद सिक्वेंस रिले नंबर 2 पर देखिए 1 सेकेंड है,
फिर ऑन टाइम भी वन, ऑफ टाइम भी 1 सेकंड है, यानी ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों आपको सेट करना है। तो आप यहाँ से पहले चेंज कर लेंगे, एलईडी जिसके सामने रहेगा उसी का टाइम यहाँ पे चेंज होगा। फिर ये रिले नंबर 3 आ जाएगा, रिले नंबर 3 का भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑन टाइम और ऑफ टाइम फिर आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम का रखना है, मिनट में रखना है, तो फिर मिनट वाले में जाने के यहाँ पे रेंज वाले से सिलेक्ट करना रहता है। अगर आपको सेकंड में ही रखना है, सेकंड सेकंड में, तो आप सबसे लास्ट वाले में करेंगे। तो ये इसी तरीके से आप सारे रिले को कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 4 नंबर रिले हो गया, 5 नंबर रिले हो गया, 6 नंबर रिले हो गया, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, उसके बाद फिर 0 पे आ जाएगा। 0 का मतलब आउटपुट नंबर 1, रिले 0 मतलब आउटपुट 1, रिले 9 मतलब आउटपुट 10। तो चलिए अभी इसको देखिए, हम स्टार्ट सिग्नल देंगे। जैसे हम इसको स्टार्ट सिग्नल देंगे तो ये हमारा टाइमिंग स्टार्ट होगा, सारे जो आउटपुट हैं हमारे रिले आउटपुट हमारे ऑन हो जाएंगे। और अभी ये हमारा प्रोग्रामिंग मोड में है, तो ये प्रोग्रामिंग मोड में स्टार्ट सिग्नल देंगे तो हमारे नहीं ऑन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको रन मोड में कर देंगे। जैसे देखो अभी रन मोड में दिए, टाइमिंग हमारा 0-0 हो गया, इस चैनल भी 0 हो गया। और ये हमारा होल्ड मोड में है, तो होल्ड मोड में जब ये पावर फेल होता है दोस्तों, तो टाइमर जहाँ पे जैसे टाइमर चल रहा है, जिस टाइम पे पावर फेल होगा, फिर पावर कंजप्शन होने के बाद तुरंत वहीं से टाइमर इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको देते हैं यहाँ से स्टार्ट सिग्नल, S1 और S2 को स्टार्ट करेंगे। तो एक हम स्टार्टिंग वायर लेके इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास एक स्टार्टिंग वायर, इसके थ्रू हम देखिए S1 S2 को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हम जैसे स्टार्ट किए, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया। हमने रिले नंबर 1 पे यहाँ पे 11-12 सेकंड किया था, तो देखिए इसका टाइमर ज़्यादा ले रहा है। जैसे उतना टाइम आएगा, ऑन टाइम कंप्लीट होगा, तभी ये रिले दूसरा चेंज हो जाएगा। देखिए 2 नंबर रिले आ गया, 15 नंबर, अभी सब पे 1 सेकंड चेंज है, सेट है, तो सबका 1 सेकंड पे होगा। और देखिए 4 नंबर रिले पे यहाँ पे टाइमिंग जो है मिनट में सेट किया गया, यानी 1 मिनट में सेट है इसका जो ऑन टाइम है। तो जब इसका 1 मिनट कंप्लीट होगा, तभी फिर अगला रिले पे इसका ट्राई आएगा, देखते जाइए। जैसे ही दोस्तों ये 60 सेकंड कंप्लीट होगा, 1 मिनट हो जाएगा, तो 1 मिनट होने के बाद ये जो 4 नंबर रिले है ये हमारा चला जाएगा 5 नंबर पे 1 सेकंड के बाद। यानी आपको ऑन टाइम और ऑफ टाइम, अगर ऑफ टाइम दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो सिर्फ ये रिले नंबर 4 जैसे ऑन है, ऑन होने के बाद जब ऑफ टाइम बढ़ा देंगे तो ऑफ टाइम भी गैपिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। 4 के बाद जो 5वां ऑन होगा, वो जितना टाइम सेट करेंगे उसके बाद ही ऑन होगा, यानी 4 भी बंद हो जाएगा। अभी देखिए, देखिए 5 पे आ गया, जैसे 1 मिनट कंप्लीट हुआ। तो देखिए फिर से हमारा चैनल नंबर 1 से शुरू हो गया, जैसे फिर यहाँ पे 10-11 सेकंड कंप्लीट होगा, चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा होल्ड मोड में है, होल्ड मोड में जैसे मान लीजिए हमारा टाइमिंग चल रहा है और हम इसको पावर फेल करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये पावर का केबल एक हम निकालते हैं इसमें, देखिए अभी हमने पावर निकाल दिया, फेल हो गया। जैसे हम पावर इसको कनेक्ट करेंगे तो जहाँ पे टाइमर स्टॉप हुआ था फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से वहीं से स्टार्ट हो गया, और आपको स्टार्ट सिग्नल भी नहीं देना पड़ा, वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो यही होल्ड मोड में रखने से यही आपका एक एडवांस फंक्शन मिल जाता है। अब आपको अगर जैसे रीस्टार्ट में रखेंगे, तो रीस्टार्ट में रखने से अगर आपका पावर फेल होता है तो जब दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको स्टार्ट सिग्नल भी साथ देना पड़ सकता है। चलिए चेक करते हैं। देख सकते हैं जैसे हमने कि इसको रीस्टार्ट में किया था, 0 से शुरू हो गया था हमारा।
इधर वाला मिली सेकेंड में चल रहा था और इधर वाला सेकेंड में चल रहा था। तो यानी कि आपको यहाँ पे स्टार्ट सिग्नल देना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक स्टार्ट ले लिया है। चलिए दोस्तों एक चीज़ अभी अब आपको और दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे C1 और C2 जो है यहाँ पे एक साइकिल चलने के बाद रुक जाएगा अगर हम इसको स्टार्ट करके रखेंगे। तो चलिए इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। अभी हमने C1 C2 को यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। अब देखिए जैसे एक साइकिल कंप्लीट होगा तो ये एक साइकिल चल के स्टॉप हो जाना चाहिए इसको। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो गया ये हमारा स्टॉप हो चुका है। जब इसको फिर ओपन करेंगे तो साइकिल इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से इसको स्टार्ट का आपको पल्स देना पड़ेगा, यानी स्टार्ट सिग्नल देना पड़ेगा तभी फिर स्टार्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे हमारा C1 C2 का यहाँ पे क्या काम है। अगर आप इसको स्टार्ट करके रखेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब इसको अगर ओपन में रखेंगे तो साइकिल अपने आप चलता रहेगा। तो यही इसका काम होता है C1 और C2 का। और O1 O2 में क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसमें हमारा आउटपुट मिलता है। तो अब दोस्तों ये इसीलिए आउटपुट दिया जाता है, जैसे जब आपको कैस्केड मोड में आपको चलाना है, कैस्केड कनेक्शन करना हो दो टाइमर कार्ड का, तो उसके लिए आपको O1 और O2 का आउटपुट का यूज़ किया जाता है। और I1 I2 का आपने बताया था कि जैसे इसका अगर टाइमर चल रहा है उस दौरान आपको टाइमर को स्टॉप करना है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया रहता है I1 I2। इसको स्टार्ट करेंगे तो टाइमर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको चेक करा के दिखा देते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी इसको स्टार्ट सिग्नल देते हैं एक बार। देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसके इसका टाइमर यहीं पर रोकना है दोस्तों, तो हम I1 I2 को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं जैसे इसको स्टार्ट किया यहीं पे इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है। जैसे इसको ओपन करेंगे फिर से इसका टाइमर चलने लगेगा। तो ये था इसका पूरा फंक्शन दोस्तों A to Z। अब उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा कैसे इसका प्रोग्राम किया जाता है और इसके सारे फंक्शन की क्या काम होता है। और ये सारे ऊपर वाले हमारे सारे रिले के आउटपुट होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं हमारे फंक्शन के कनेक्शन होते हैं, पावर सप्लाई का, इसका स्टार्ट सिग्नल का। और ये हमारे हमने बताया था कि इसका रीस्टार्ट C1 और C2 जो होता है साइकिल कंप्लीशन का रहता है, यानी सिंगल साइकिल या फिर साइकिल रिपीट के यहाँ पर दिया जाता है। अगर स्टार्ट कर देंगे तो सिंगल साइकिल चल के स्टार्ट हो जाएगा और ओपन रहेगा तो साइकिल रिपीट होता रहेगा। और O1 O2 जो होता है एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। और I1 I2 जो होता है टाइमिंग होल्ड के लिए रहता है, इसको स्टार्ट कर देंगे तो टाइमिंग होल्ड हो जाएगा, जब इसको ओपन रहेंगे तो टाइमर जो होता है कंटिन्यू चलता रहेगा। और काफ़ी का काम ने बताया था कि जिस एक रिले पर अगर जो प्रोग्राम करेंगे उस दौरान इसको अगर स्टार्ट कर रखेंगे तो सारे चैनल को प्रोग्राम जो होता है सब पे काफ़ी हो जाएगा सेम वही वाला। तो जिसमें उसको अगर आपको जैसे एक ही सारे रिले पे एक ही प्रोग्राम आपको करना हो तो आप एक रिले को प्रोग्राम करने के दौरान इसको स्टार्ट कीजिए और उसके बाद सारे पे वो काफ़ी हो जाएगा। उस और कभी भी आपको जैसे इसको प्रोग्राम करने के दौरान इसको प्रोग्राम मोड में करके उसके बाद ही प्रोग्राम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।